बनकटा से नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी गोला एवं थानाध्यक्ष गोला अश्वनी कुमार तिवारी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक मायाराम यादव मय टीम द्वारा मुकदमा संख्या 227/2023 धारा 354, 457 भादवी व 7-8 501 थाना गोला गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त अभिषेक पुत्र सुरेश निवासी बनकटा थाना गोला जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। एसएस एकेडमी में 10 दिवसीय समर कैंप का हुआ भव्य आयोजन। एक नई आशा के तत्वाधान में विजय चौक स्थित एसएस एकेडमी के प्रांगण में 10 दिवसीय समर कैंप का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी के कर कमलों द्वारा किया गया। आयोजन में सर्वप्रथम सरस्वती मां के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा स्वागत गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति हुई। आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष तन्वी अग्रवाल ने किया। एक नई आशा की सचिव डॉक्टर निशी अग्रवाल ने बताया, कैंप में डांस आर्ट क्राफ्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्ले एक्टिविटी स्केटिंग के साथ साथ स्पेशल अट्रैक्शन में श्रीमद् भगवद गीता ट्रेजर हंट साइंस मूवी योगा मेडिटेशन भी सभी बच्चों को कराया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यालय पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जनपद के थाना रामकोला क्षेत्र अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे ग्राम प्रधान की हत्या। कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर नई पेंशन स्कीम का किया विरोध। पुरानी पेंशन स्कीम जल्द से जल्द बहाल करें सरकार। ग्राम पंचायत मिनवा में आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु लगवाया गया कैंप। पाली विकास खंड के ग्राम प्रधान दिनेश कुमार जायसवाल के अध्यक्षता में 22 मई दिन में सोमवार आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु कैंप लगाया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान ने आयुष्मान कार्ड के लाभों के बारे में बताया। वैदिक धर्म इंटर कॉलेज डुमरी निवास गोरखपुर के प्रांगण में टीचर प्रीमियम लीग का हुआ शुभारंभ। बड़गो में चोरों ने ताला तोड़कर हजारों की चोरी की। पाजूपार निवासी सदानंद पांडे बड़गो मोड़ पर बेकरी की दुकान खोले हैं। रात को दुकान बंद कर वे घर चले गए थे। सुबह जब वे दुकान पर पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर काफी बनाने की मशीन टॉफी बिस्किट नकदी सहित 10,000 का सामान उठा ले गए। चोरी की गई काफी मशीन घटना से कुछ दूर एक खेत में मिली। पीड़ित ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। केवीके बेलीपार पर मिलेट श्री अन्न की उन्नत खेती का प्रशिक्षण संपन्न। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर में मिलेट्स श्री अन्न की खेती पर दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग किसानों को पूर्वांचल ग्रामीण सेवा संस्थान के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न ग्राम सभाओं से 68 किसानों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने मोटे अनाज के महत्व उपयोग एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने किया बैठक। सफाई कर्मचारियों ने बैठक कर अपने हथ और हथूप की लड़ाई को तेज करने की मांग की। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर उनका संघर्ष अनवरत चल रहा है और आगे भी लगातार चलता रहेगा। सफाई कर्मचारियों की मांग जब तक प्रदेश सरकार मानती नहीं है तब तक यह संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। यह बैठक जो है संगठन को संगठित करने के लिए पुरानी पेंशन जो बहुत लंबे अरसे से मांग चल रही है और उस पे एक रणनीति तय की जा रही है, हल करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बाजगांव तहसील मुख्यालय पे शुरू हुआ परिवहन सेवा। बाजगांव तहसील मुख्यालय पर परिवहन सेवा शुरू हुआ।
अब रोडवेज की बस सुबह 7 बजे बाद गांव तहसील मुख्यालय से मिलेगी। यह बस आपको जिला मुख्यालय गोरखपुर को जोड़ेगी और यही बस आपको शाम 7 बजे रोडवेज बस स्टेशन गोरख पर मिलेगी, जो आपको रात 8 बजे बाद गांव तहसील मुख्यालय पर लाते छोड़ेगी। ऐसे में लोगों ने खुशी और हर्ष व्यक्त। गोरखपुर के लिए रवाना हो और बस उधर से कितने बजे आएगी? क्या नाम है आपका? मैं कुमार उपाध्याय। तो ये बस जो है कितने बजे आएगी बासगांव चौराहे पे? 7 बजे, 7 बजे गाड़ी आके यहाँ पे लग जाएगी। जी जी। और 7:30 बजे यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना हो। और बस उधर से कितने बजे आएगी? ये मान के चलिए आपका 7 बजे शाम को आपको मिलेगी कचहरी बस स्टेशन। बास गाँव में एक भी जन औषधि नहीं, बासगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक भी जन औषध की दुकान न होने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले थे स्वास्थ्य केंद्रों पे भी पर्याप्त दवाइयां न होने के कारण लोगों को बाहर से महंगी रेट पे दवा खरीदने को मजबूर है। बताते चले थे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हर तहसील मुख्यालय और हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अगल बगल खोलना था। ऐसे में ऑनलाइन बासगांव में जन सुविधा केंद्र दिखाई देता है, परंतु उसका धरातल पर कोई हकीकत नहीं है, जिसके कारण लोगों को महंगी दवाई खरीदने को मजबूरी बन गई है। जन औषधि है अपने यहाँ आस पास? नहीं, जन औषधि आपके यहाँ सरकार की नहीं है। इधर कहीं जन औषधि नहीं है? यहाँ नहीं। दवाएं हैं ना अपने यहाँ? हाँ, दवाएं।